हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सर्विस एडवाइज़र। सर्विस एडवाइज़र जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए किसी भी डीलरशिप, ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे या किसी भी सर्विस सेंटर पे सर्विस एडवाइज़र के डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस समय में सर्विस एडवाइज़र से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सर्विस एडवाइजर। फ्रेंड्स, आइए पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सर्विस एडवाइजर से कि अबाउट योरसेल्फ एंड प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, जब भी सर्विस एडवाइजर किसी भी डीलरशिप पे अप्लाई करते हैं सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सर्विस एडवाइजर से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबाउट योर सेल्फ एंड प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, कैंडिडेट से पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, अपने बारे में क्वालिफिकेशन बताइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन बताइए, है ना। तो ये सब सारी जानकारी पूछा जाता है सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, कहीं भी जाके इंटरव्यू देते हैं, एचआर को जाके इंटरव्यू देते हैं, तो या तो एचआर किसी भी डीलरशिप का जो एचआर होते हैं ना, वो इंटरव्यू लेते हैं सर्विस एडवाइजर का, या फिर सर्विस जीएम भी इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो उस समय में पहला क्वेश्चन होता है एक सर्विस एडवाइजर के लिए कि अबाउट योर सेल्फ एंड प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में नाम बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, आप कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब सारी जानकारी एक सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए कैंडिडेट को बताना होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। एंड प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, अगर फ्रेंड्स अगर फ्रेशर है आप, तब तो कोई बात नहीं है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप मेंशन कीजिए, और अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आप, हो सकता है कि आप किसी दूसरे डीलरशिप पे सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन पे काम करते हो, या टेक्नीशियन के डेजिग्नेशन पे काम करते हो, या अदर कोई भी डेजिग्नेशन पे आप वर्क करते हो, तो आपके प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो कहीं भी सर्विस एडवाइजर अगर किसी भी जॉब के लिए, सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए अगर कहीं भी किसी भी डीलरशिप पे अप्लाई करते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि अबाउट योर सेल्फ एंड प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए, अपने बारे में बताइए, और अपने पिछले जो जहां आप काम किए हैं वहां के जॉब एक्सपीरियंस के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, पहला क्वेश्चन होता है एक सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन में अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहीं भी अगर आप जाते हैं सर्विस एडवाइजर के लिए, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, अपने बारे में जो भी है वो देख लीजिए, है ना। दूसरा, प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस अगर किसी दूसरे डीलरशिप का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, या कोई भी टेक्निकल अगर एक्सपीरियंस है, और आप जॉब कार्ड अपने रिज्यूम पे अगर मेंशन किए हो, तो वो आप पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप प्रिपेयर कर लीजिए और जाके आप इंटरव्यू दीजिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन जो होता है ना एक सर्विस एडवाइजर के लिए डेजिग्नेशन के लिए, जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल टेक्निकल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेकंड में जो है ना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टेक्निकल कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हूँ टेक्निकल क्वेश्चन का, कि सर्विस एडवाइजर के लिए जब आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे या सर्विस सेंटर पे जॉब के लिए, सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए, पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमोबाइल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें से ऑटोमोबाइल टेक्निकल क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैंने पहले वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाके उस लिंक को क्लिक करके आप वो सारा एक बार आप देख लीजिए, उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको जानकारी है टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में, तो अच्छी बात है, इनकेस अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप उस हमारे इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाइए और उस वीडियो को आप वॉच कीजिए, आपको जानकारी सारी मिल जाएगी कि टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एक सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए जब आप कहीं भी अप्लाई करते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ
एंड प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन होता है आपसे पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसके लिए फ्रेंड्स हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर। फ्रेंड्स इसको मेंशन कर लीजिए एकदम 100%, आप कहीं भी अगर जाते हैं तो 90% चांसेस होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर, एक सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में आप बताइए। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी डीलरशिप पे अगर सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहले से आप प्रिपेयर कर लीजिए, और आपको पता भी होना चाहिए कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर, एक सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए और जाके आप इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर, सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में आप बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए और जानकारी आप रख लीजिए कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक सर्विस एडवाइजर का। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस टॉपिक पे भी मेरा एक वीडियो बना है जो कि काफी अच्छा आप लोगों का इस वीडियो में व्यूज वगैरह आया है, है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सर्विस एडवाइजर क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। इनकेस अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर देखना चाहे और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच करके जान सकते हैं कि व्हाट इज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सर्विस एडवाइजर, एक सर्विस एडवाइजर का क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया फ्रेंड्स। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं एक सर्विस एडवाइजर के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एस्टीमेट कॉस्ट एंड टाइम। फ्रेंड्स एस्टीमेट कॉस्ट एंड टाइम के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एक सर्विस एडवाइजर का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है ना कि जब कस्टमर जब डीलरशिप पे आते हैं अपनी गाड़ी का रिपेयर करवाने के लिए या फिर सर्विस करवाने के लिए, या उनका जो भी डिमांड हो, एक्सपेक्टेशन हो, या उनका जो भी कंसर्न होता है ना, तो एक सर्विस एडवाइजर जॉब कार्ड मेंशन करते हैं, एक मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप बनाते हैं और कस्टमर का जो भी वॉइस है उसको नोट डाउन करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉपर व्हीकल का इन्वेंट्री करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि जो भी स्क्रेसेस टूल्स वूल्स वगैरह ये इन्वेंट्री करके उस जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं और कस्टमर से साइन लेते हैं, और सर्विस एडवाइजर भी उस जॉब कार्ड पे साइन करते हैं, बिकॉज जॉब कार्ड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वहाँ क्या है कि आप भी रहते हैं, कस्टमर भी रहते हैं, व्हीकल्स भी रहते हैं, और कस्टमर का जो भी कंप्लेन है वो नोट डाउन किया जाता है, कस्टमर अपनी गाड़ी के साथ और क्या क्या चीज़ लाए हैं, जैसे एज पर एग्जाम्पल व्हील कवर कितना है, अगर टूटा हुआ है तो वो मेंशन करना चाहिए जॉब कार्ड पे, क्लियर है। अगर जो भी मतलब इनर और आउटर दोनों तरफ से इंस्पेक्शन कर लीजिए कि व्हीकल के साथ व्हीकल में अगर कोई स्क्रेचेस तो नहीं है या डेंट तो नहीं है, वो सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है वो जॉब कार्ड से लिखते हैं, क्लियर है ना, और कस्टमर का साइन होता है और सर्विस एडवाइजर का भी साइन होता है। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा था कि एक सर्विस एडवाइजर का के लिए जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस्टीमेट कॉस्ट एंड एस्टीमेट टाइम के बारे में आप क्या जानते हैं। फ्रेंड्स एक सर्विस एडवाइजर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एस्टीमेट कॉस्ट एंड एस्टीमेट टाइम वो प्रॉपर हो। कस्टमर जब सर्विस के लिए आते हैं ना तो एक सर्विस एडवाइजर को एक एस्टीमेट कॉस्ट देना होता है, मतलब कि अगर एज फॉर एग्जाम्पल अगर फ्री सर्विस में कस्टमर आए हैं तो उस फ्री सर्विस में पहली सर्विस में अगर आए हैं या दूसरी सर्विस में आए हैं या क्लच के काम के लिए आए हैं या फिर इंजन ओवरहॉल या सस्पेंशन कुछ भी काम के लिए आए हैं, तो एक सर्विस एडवाइजर को ये पता होना चाहिए कि उस गाड़ी में काम जब वो करवाएंगे तो कितना एक्सपेंस आएगा, कितना खर्च आएगा, तो दैट इज एस्टिमेट कॉस्ट, और उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा ना, ये भी सर्विस एडवाइजर को पता होना चाहिए और कस्टमर को बताना चाहिए। इवन जॉब कार्ड पे भी मेंशन होता है, उसका कॉलम होता है बना हुआ कि आप कस्टमर को बताओगे कि सर आपकी गाड़ी में जो भी कंसर्न है या जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंप्लेन है, उस काम को करने के लिए 5,000 का खर्चा है या 6,000 का खर्चा है या 10,000 का खर्चा है, और दूसरी बात इस काम को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली सर
मैं आपको एक टाइम दे रहा हूँ कि शाम के 3 बजे तक मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करके हैंड ओवर कर सकता हूँ, कर दूंगा, या 4 बजे कर दूंगा, या 5 बजे कर दूंगा। तो एक सर्विस एडवाइजर के लिए जब भी आप किसी भी डीलरशिप पे अप्लाई करते हैं एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट के लिए, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इस्टीमेट कॉस्ट एंड इस्टीमेट टाइम के बारे में क्या जानते हो, कैसे उसको अपडेट करना होता है, जो भी है इससे रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक पे भी आप अच्छी तरह से समझ लें, इवन मैं इस पे भी वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वॉच करके समझ सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ फ्रेंड्स, एक सर्विस एडवाइजर के लिए जब भी कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना आपसे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड फ्रेंड्स ट्रबल शॉटिंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, एक सर्विस एडवाइजर को जो है ना व्हीकल में जो रनिंग ट्रबल आता है, जो भी कंप्लेन आता है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसके बारे में भी एक सर्विस एडवाइजर को पता होना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हीकल, अगर कस्टमर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कंप्लेन को, कि अगर एक कस्टमर अगर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है या फिर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो उसका कंप्लेन है कि जब वो स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग जब वो ड्राइव करता है ना रोड पे, हाईवे पे, रोड पे, या जो कहीं भी अगर चलाता है, जब व्हीकल को चलाता है, तो हल्का सा स्टीयरिंग को लूज करते ही क्या होता है कि उसको ये फील हो रहा है कि स्टीयरिंग उसका बायां साइड की ओर खींच रहा है या फिर दायां साइड की ओर खींच रहा है, तो क्या कंप्लेन हो सकता है? अब क्या रिकमेंड करोगे इसके लिए? अगर गाड़ी अगर हाईवे पे चल रही है और स्टीयरिंग व्हील जो है ना वो लेफ्ट साइड की ओर खींच रहा है या फिर राइट साइड की ओर खींच रहा है, तो उस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप कमेंट करके बताइए। तो ये ट्रबल, छोटी छोटी ट्रबल शॉटिंग ट्रबल से रिलेटेड आपको कंसर्न मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है, तो ये नॉलेज भी होना चाहिए। तो ट्रबल शॉटिंग से, ट्रबल शॉट आउट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा जा सकता है कभी भी, अगर सर्विस एडवाइजर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो वहां आपसे एचआर या जनरल या सर्विस जीएम या जो भी है वो आपसे पूछ सकते हैं, जो भी इंटरव्यू लेंगे। तो इस टॉपिक पे भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे कि व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी होता है, व्हील बैलेंसिंग क्यों जरूरी होता है, ठीक है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों आती है ना, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है ना, ब्रेक से नॉइस क्यों आता है ना, क्लच अगर फेलियर कर जाए है ना, तो क्या गाड़ी में सिम्टम है, तो ये सब कुछ कुछ ऐसी ट्रबल शॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, एक सर्विस एडवाइजर के लिए पूछ सकता है कहीं भी अगर आप डीलरशिप में जाके आप अप्लाई करते हो तो। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया? अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक सर्विस एडवाइजर से होता है ना, वो क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आरएसए, व्हाट इज आरएसए, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है, रोड साइड असिस्टेंस क्या होता है, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है ना, आप आरएसए के बारे में क्या जानते हो, आप एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में क्या जानते हो, तो ये सर्विस एडवाइजर से पूछ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर लें। इस टॉपिक के बारे में आपको आरएसए के बारे में पता होना चाहिए कि आरएसए क्या होता है, रोड साइड असिस्टेंस क्या क्या फैसिलिटीज होती है ना, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है, कैसे हम एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कस्टमर को मोटिवेट करेंगे, कैसे हम सेल करेंगे, तो ये सब सारी जानकारी एक सर्विस एडवाइजर से होना चाहिए। एक सर्विस एडवाइजर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज आरएसए एंड व्हाट इज एक्सटेंडेड वारंटी। तो इस टॉपिक पे भी आपको प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, मैं भी पूछ सकता है आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ फ्रेंड्स, एक सर्विस एडवाइजर के लिए कहीं भी अगर अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपसे, इंटरव्यू का जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि फ्रेंड्स कि वर्कशॉप रिवेन्यू से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपसे एक सर्विस एडवाइजर से आप पूछा जा सकता है कि आप वर्कशॉप को रिवेन्यू, वर्कशॉप का जो रिवेन्यू है वो कैसे इंप्रूव कीजिएगा, कैसे इंक्रीज कीजिएगा, आप पार्ट्स लेबर कैसे आप इंप्रूव कीजिएगा, तो इस टॉपिक पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे आप वर्कशॉप का रिवेन्यू इंप्रूव करेंगे। क्योंकि क्या है, वर्कशॉप जो है ना एक सर्विस एडवाइजर पे फुल्ली डिपेंडेंट है, क्योंकि एक सर्विस एडवाइजर ही फ्रंट फेस होता है, जो भी वर्कशॉप का रिवेन्यू का बहुत ही बड़ा रोल होता है एक सर्विस एडवाइजर का। तो फ्रेंड्स, कहीं भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्कशॉप से रिवेन्यू कैसे आप इंप्रूव करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इस टॉपिक पे भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड आप जो भी है आप प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू देने के लिए जाए। क्लियर है फ्रेंड्स?
अब फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ना वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। फ्रेंड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कीजिएगा, कैसे डिलाइट कीजिएगा, सी एस आई से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कस्टमर अगर आपके वर्कशॉप में अगर आते हैं कोई भी काम के लिए, कोई भी रिपेयर करने के लिए, कोई भी कंसर्न लेके, तो ऐसे कस्टमर का काम करना तो लाजमी है क्योंकि कस्टमर का कोई एक्सपेक्टेशन होता है, गाड़ी में अगर कोई दिक्कतें आई है या फिर उनको सर्विस कराना है तो वो डीलरशिप पे तो आएगी ही, वर्कशॉप में आएगी रिपेयर करवाने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है रहेगा एक सर्विस एडवाइजर, दैट मीन्स अगर जो क्या होता है कि फीडबैक होता है ना एक सर्विस एडवाइजर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे सर्विस कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड टॉपिक पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड आप कुछ बताइए, कस्टमर को डिलाइट कैसे करेंगे, क्या आपका एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा एक सर्विस एडवाइजर का। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, सी एस आई से रिलेटेड, जे डी पावर से रिलेटेड, इन टॉपिक पे भी आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इन टॉपिक पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सर्विस एडवाइजर के रेजिग्नेशन के लिए कैंडिडेट से पूछा जा सकता है। आप अगर कहीं भी एक्सपीरियंस है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वहां से जॉब रिजाइन देके आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई किए हैं सर्विस एडवाइजर के लिए, तो आप यहाँ आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछेगा ही कि अगर आप टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं तो आप महिंद्रा में क्यों अप्लाई किए, आप वहाँ जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, आपके रिज्यूम में तो मेंशन होगा कि 4 साल हम वहाँ काम किए हैं, 5 साल काम किए हैं, तो 4 साल 5 साल अगर टाटा ने काम किए हैं तो महिंद्रा में क्यों ज्वाइन किए, आप वहाँ से जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा ना वो आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है और इसको इस क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत ही आराम से देना है। कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट को लगता है कि देखो कहीं भी अगर काम करोगे तो कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे आपके, है ना, तो ऐसा नहीं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सर्विस एडवाइजर के लिए और आपका टाटा का एक्सपीरियंस है और महिंद्रा के लिए अप्लाई किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां जाके आप अपना पर्सनल इश्यू बता दोगे, सर वहां इतना ज्यादा गाड़ी है, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर था, इतना ज्यादा मतलब कि सैलरी सही नहीं था, या फिर वहां से किसी व्यक्ति से अगर आपको आर्ग्यूमेंट हो गया या झगड़ा हो गया या कुछ भी ऐसा कंसर्न हो गया या दिक्कत था वहाँ के माहौल में, तो अपना पर्सनल इशू कभी भी इंटरव्यू नहीं बताना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिवली रिप्लाई करना चाहिए और पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि सामने वाला यह सोचता है ना जो भी इंटरव्यू ले रहे होंगे, वो ये सोचते हैं कि भैया इस कैंडिडेट को टाटा से के वर्कशॉप में काम कर रहा था इतने 4 साल 5 साल या जो भी है 2 साल, वहाँ अगर उसको किसी मैन पावर से अगर दिक्कत आ गया है ना, या फिर कोई अगर पर्सनल दिक्कत वहाँ आया तो मेरे यहाँ भी काम करेगा, तो मेरे यहाँ भी वही इशू इसको आएगा, तो वहाँ आपका निगेटिव होगा इंटरव्यू। इसलिए कभी भी नेवर टेल अबाउट योर पर्सनल इशूज, कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपना पर्सनल इशू नहीं बताएं, पॉजिटिवली उनको जवाब दीजिए। आप उनको बोल सकते हैं कि सर टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, सर जहां मैं काम कर रहा था वहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन महिंद्रा जो है ना सर, महिंद्रा का बात ही जुदा है, महिंद्रा से हमेशा बचपन से ही मेरा ये इच्छा रहा है कि महिंद्रा में हम जॉब करें और महिंद्रा की कितना ब्रांड है सर, मतलब एक तरह से हमारा इंटरेस्ट है और अपना फ्यूचर्स ग्रो के लिए सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल शब्दों में और पॉजिटिवली आंसर देना चाहिए, पर्सनल इशू नहीं बताना चाहिए कि भैया मेरा वहां से झगड़ा हो गया या फिर वहां फिर दिक्कत था, ये सब कभी नहीं बताना चाहिए, जो पॉजिटिव आंसर है ना वही देना चाहिए पॉजिटिव। तो ये सारा जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये एक सर्विस एडवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं सर्विस एडवाइजर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप प्रिपेयर होके आप इंटरव्यू के लिए जाइए और वहाँ इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, अगर आप पॉजिटिवली आंसर दें बिल्कुल प्रिपेयर होके आप जाएं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी कि एक कैंडिडेट अगर कोई भी कैंडिडेट है, चाहे डिप्लोमा है या आईटीआई किया हुआ है या टेक्निकल पर्सन है या बीटेक किया हुआ है ना, तो वो अगर कहीं भी किसी भी डीलरशिप पे जाके एक सर्विस एडवाइजर के लिए अप्लाई करता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन के लिए, तो आपने इस वीडियो में जाना समझा। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अगर आपको समझ में आया हो
तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फ्रेंड्स कमेंट प्लीज जरूर आप कीजिए, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा जो है ना कंटेंट, अच्छा से अच्छा टॉपिक पे हमको वीडियो बनाने का एक ये मोटिवेशन मिलता है ना। और हम आपके ही कमेंट को पढ़ के समझ के और हम मोटिवेट होते हैं और हम वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप कमेंट एक जरूर कीजिए और क्वेश्चन भी कीजिए। आप बताइए भी कि और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन किस टॉपिक पे आपको समझना है, तो मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो 100% बनाऊँ। तो क्लियर है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।